स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसमें मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं आता है, और साथ ही देखेंगे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। तो ये हम लोग करने वाले सारे यूजिंग सी प्रोग्रामिंग के मदद से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को अगर हमें सी से रियलाइज करना हो तो हमें यूज करना पड़ेगा किसका, एरे का। और उस प्रकार के एरे को कौन सा एरे कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या आते हैं, रो भी आता है और कॉलम्स भी आते हैं। तो मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। फ्रेंड्स, 3x3 को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं उसको, रो एंड कॉलम्स आर सेम, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स लेते हैं मैट्रिक्स बी। यहाँ पे मैं 5, 4, 2, 2, 4, 8, 1, 2, 3 ऐसे रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ। इसको हम मैट्रिक्स ए मानते हैं और इसको हम मैट्रिक्स बी मानते हैं। तो हमें दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है, तो हमें और एक मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा। एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, ये दोनों सिमिलर प्रोसेस है। ए प्लस बी हमें करना हो, मान लो नया मैट्रिक्स है सी, तो हमें पता है हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो एंड कॉलम्स को हम क्या करते हैं, मतलब इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, ए ऑफ जो आई जे होगा प्लस बी ऑफ आई जे इक्वल टू सी ऑफ आई जे। मतलब जो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स है ए के और बी के, उसको सम करके सी आई जे, वैसे ही खाली प्लस के जगह पे अगर हम माइनस लगा देते हैं तो वहां पे सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे खाली हमें अगर सी से इम्प्लीमेंट करना हो तो पहले हमें तीन मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे, ए बी और सी, जिसमें पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन हमें तीन मैट्रिक्स लेना है। स्टेप वन, यहाँ पे हम ए और बी जो हमारे क्या होंगे, इनपुट मैट्रिक्स होंगे, और सी हमारा क्या होगा, ये दोनों हमारे इनपुट मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं रिजल्ट, ओके, आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। इसको या तो हम आउटपुट मैट्रिक्स कह सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हमें सी से करना हो तो स्टेप वन में आपने ले लिया इनपुट मैट्रिक्स, फिर हम दोनों को स्टेप टू में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डेटा इनपुट लेना पड़ेगा कि नहीं, किसके अंदर, इसके अंदर डेटा लेना पड़ेगा ए और बी के अंदर। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे क्या, ए प्लस बी, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। यानी ये हमारे स्टेप थ्री, स्टेप सिंपली हम कह सकते हैं, जैसे हम दो नंबर का सम करते थे यूजिंग इनपुट प्रोसेस आउटपुट, करते थे, इनपुट लेना है, प्रोसेस करना है, आउटपुट देना है। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, दो नंबर के जगह पे यहाँ पे खाली दो मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट ले रहे हैं, डिक्लेरेशन किया, इनपुट लिया एंड बी के अंदर, उसका प्रोसेस किया, कंप्यूट किया, एंड देन फाइनली उसको डिस्प्ले करते हैं, राइट। ये है मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसका अगर हम फिर हम ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आता है, बच्चों को जनरली वहां पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग को रट्टा मारते हैं कि अच्छा इसके अंदर ऐसा ऐसा आएगा, आई के अंदर, जे के अंदर, के ऐसा रट्टा मारते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट गलत कंसेप्ट है। अगर उनको लॉन्गेटिविटी रखना है जॉब में भी, कोडिंग अगर उनको सेल्फ कोडिंग करना है कोई प्रॉब्लम को देख के, तो उनको कुछ कंसेप्ट होकर गुजरना पड़े, ना कि कोड को रट्टा मार के। तो हम समझेंगे कैसे हम ऐसे पैटर्न देखेंगे उसके अंदर, फिर उस पैटर्न को हम कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे, विल सी एवरीथिंग, ऑल योर डाउट्स विल गेट क्लियर। So, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कोड की बात करें तो सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे, पहले हम डिक्लेरेशन करेंगे, मैं सी कोड लिख रहा हूँ, तो मैं उसको सबको इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे इंक्लूड str.h वगैरह। यहाँ पे मैं सपोज वर्ड मैन, कुछ लोग यहाँ पे इंटीजर मैन लिख के लास्ट में रिटर्न जीरो भी लिख सकते हैं एज पर योर विश। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले मुझे क्या चाहिए, ABC नाम के मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे मैं इंटीजर ए स्मॉल में ले रहा हूँ, बी एंड सी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये एरे हो जाए सिंपल वेरिएबल, ए ऑफ थ्री थ्री, क्योंकि रो भी तीन चाहिए और कॉलम भी थ्री, बी ऑफ थ्री थ्री, रो तीन कॉलम तीन, एंड सी ऑफ थ्री थ्री, इसके अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, सारे रिजल्ट स्टोर करने वाले। इसके अलावा आपको इंटीजर आई जे ऐसे जो हमारे इंडेक्स वेरिएबल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि डेटा को क्या लेना, उनके अंदर डेटा को डालना, ये सब डेटा इनके अंदर फीड अप करना। तो हम रो के लिए आई को लेते हैं, रो नंबर 0, 1, 2, कॉलम के लिए हम किसको लेते हैं,
जे को हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जे 0 1 2, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन के आता है, 0 रो 0 कॉलम, ये 0 1 0 2, ये फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो 0th कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो 1th कॉलम एंड फर्स्ट रो 2nd कॉलम, ये 2 0 2 1 एंड 2 2, बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ये सब पैटर्न प्रोग्रामिंग के ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, देखिए कुछ ऐसा है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ऐसा आपको प्रिंट करना है, इसके अंदर तुम्हारा डेटा डालना है। तो इस ऐसे जाना चाहिए 0 0 0 1 ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 है आई की वैल्यू, फिर 2 है, आई कॉमन रह रहा है ना, हर बार 0 है तो 0 ही है, आई 1 है तो 1 है, एंड आई 2 है तो यहाँ पे हमेशा 2 आ रहा है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 0 1 एंड 2, मतलब आई भी 0 से 2 की तरफ जा रहा है, एंड जे भी कहां से जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, मतलब ये आई जे के अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं है डिपेंडेंट, आई किसी पे डिपेंड है नहीं ना, तो आई जनरली किसी पे डिपेंड नहीं करता, जे भी यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं, सिंपली कहां से कहां जा रहा है, 0, देखिए जे की वैल्यू 0 1 2 0 1 2 0 1 2, यस। प्रिंटिंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, रो बाय रो होता है, कैसा होता है प्रिंटिंग रो। तो आई जब 0 था, देखो जे क्या हो रहा है 0 1 2, आई जब 1 था क्या हो रहा है जे 0 1 2, और आई जब 2 था जे क्या हो रहा है 0 1 एंड 2। तो यहां पे हम लोग सिंपली फॉर लूप हम ले रहे हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 मतलब 2 तक चलेगा, 0 1 2 एंड आई प्लस, ठीक है। तो अंदर हम देखेंगे, तो फिर से जैसे कि कहा पहली बार आई 0 होगा, 0 के लिए हम अंदर जब जाएंगे तब हमारा जे क्या होना चाहिए 0 1 2, इसलिए अंदर फिर से हम जे की वैल्यू किसी पे यहाँ पे आई के ऊपर डिपेंड नहीं है, जे लेस देन 3 जे प्लस, ठीक है। तो यहाँ इतना हम अगर करेंगे तो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 हो तभी जे 0 1 2 3 जा रहा है, आई की वैल्यू 1 हो तभी जे 0 1 2 3 जाएगा, एंड आई की वैल्यू 2 हो तभी जे की वैल्यू 0 1 2 जाएगा। तो हमारा हम आई की वैल्यू जब 0 है, आई की वैल्यू 0 तभी जे क्या होगा, आई की वैल्यू 0 0 होगा, 1 होगा, आई की वैल्यू 0 है यहाँ पे 2, आई की वैल्यू जब 1 होगा, आई की वैल्यू पहले 1 रख लेते, जे क्या होगा 0 1 2, आई की वैल्यू जब 2 होगा जे क्या होगा 0, आई की वैल्यू 2 है जे 0 1 सॉरी 1 एंड 2। तो देखिए पूरा मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके वजह से अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, अंदर हमें डेटा, अभी हमें ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अंदर हमें किसके अंदर डेटा डालना है, पहले ए मैट्रिक्स के अंदर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको स्टूडेंट्स प्रिंट वाला यहाँ पे लिख देना है कि एंटर 0 0 वगैरह, राइट, कि इस पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो अगर हम ऐसा करेंगे स्कैन है परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ए ऑफ आई जे, तो इसके अंदर किसके अंदर डेटा चला जाएगा, सारा डेटा 0 0 0 1 0 2 ऐसा सारा डेटा किसके अंदर चला जाएगा, ए मैट्रिक्स के अंदर। वैसे ही अगर मैं क्या करता हूँ स्कैन है परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट बी आई जे, तो सारा डेटा कहाँ के अंदर चला जाएगा, 1 बाई 1 किसके अंदर जाएगा, बी मैट्रिक्स के अंदर। मतलब यहाँ पे हो कैसे रहा है स्टूडेंट्स, पहला डेटा ए 0 0 में जा रहा है, फिर एक डेटा कहाँ जा रहा है, बी 0 0, फिर जब आई नेक्स्ट टाइम क्या होगा 0 1 होगा, ओके इट इज कमिंग, सो 0 1 तो 0 2 ऐसे बच्चों, यहाँ पे एक डेटा 0 1, फिर यहाँ पे एक डेटा, फिर इसका डेटा, फिर यहाँ पे ऐसे होके आप पूरा क्या कर लोगे, मैट्रिक्स को रीड करते जाओगे। अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सम कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे ही क्या लिख लेता हूँ, सी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, यहाँ पे मेरा बी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सी आई जे के अंदर सम, मतलब एक डेटा यहाँ पे 5 डाला, दूसरी बार 5 डाला इनपुट लिया, तीसरी बार सी आई जे मतलब वही 0 0 है, तो सी 0 0 है, तो उसके अंदर ये सम हो गया, मतलब 5 प्लस 5 10। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 1 के लिए क्या होगा, देखो पहले आप स्कैन कर रहे हो 0 1, यानी 3 डाला, फिर आपने बी में 4 डाला, 3 प्लस 4 क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, वैसे ही 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट टाइम आई 1 होगा जे 1, 5 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12, एंड 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 2 7, एंड 3 प्लस 3 6। ऐसा स्टूडेंट्स देखिए आप पूरे जे के, मतलब जो तीसरा सी नाम का मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या हो चुका है, सम हो चुका है।
राइट। तो ऐसा हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे। अच्छा, हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, एक साइन को बदल के पूरा काम हो जाएगा। क्या करना है, इस प्लस के जगह पे खाली क्या लिख लेना है, माइनस लिख लेना। आगे समझ में? तो मेन स्टूडेंट्स इसमें मेन लॉजिक क्या है पता है, सिर्फ तुम्हें ये इंडेक्स पता होना चाहिए कि ये 0001 01 1011, यानी जो दो लूप आप लेने वाले हो आई के अंदर से, उसको स्टार्ट कहां से करोगे, एंड कहां से करोगे। तो यहां पे हमने देखा कि आई जब 0 है जे 012 भाग रहा है, आई जब 1 है 012, आई जब 2 है 012, मतलब जे 012 भाग रहा है, कोई आई के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है और आई कहां से जा रहा है 012, तो इसलिए हमने यहां पे इसको ले लिया और अंदर उसको रीड करके सम कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा काम हो चुका है मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम कैसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज का हम कोड देखते हैं कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को हम कैसे ट्रांसपोज करेंगे। ओके, सो यहां पे इसको रहने देते हैं इंटीजर। यहां पे मुझे एक ही मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, A33 ले रहा हूं मैं मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसका नाम होगा B33, जिसके अंदर मैं ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स को क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। राइट, ये आई से कॉमन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए, ए जैसे मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज मींस व्हाट, चेंजिंग द इंटरचेंजिंग रोस एंड कॉलम्स, मतलब रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, मतलब हम ट्रांसपोज करने के लिए कितना मैट्रिक्स चाहिए, यूनरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, यूनरी, क्यों, क्योंकि उसको ऑपरेशन को करने के लिए कितना मैट्रिक्स, एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक ही मैट्रिक्स चाहिए। सम को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि दो जन चाहिए एटलीस्ट। राइट, ये क्या है, यूनरी ऑपरेशन है, तो हमें इसलिए इनपुट मैट्रिक्स एक ही चाहिए और डायरेक्ट हम उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे। यहाँ पे उसका ट्रांसपोज को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे मान लो टी नाम का एक मैट्रिक्स लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, टी। तो इसको हम ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके टी नाम के एक मैट्रिक्स में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इसको। राइट, तो आप देखिए इसको ट्रांसपोज हम किस तरह से करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 532 है, 454253 है, उसको स्टूडेंट्स हमें, वी हैव टू कन्वर्ट द रोस इनटू कॉलम्स। रो को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम अंदर क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम खाली पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स की डेटा रीड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर वन, रीड डेटा ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के अंदर हमने क्या कर लिया, डेटा रीड कर दिया, यानी ये डेटा को आपने बॉक्लेट कर दिया। तो यहां तक आप क्या कर सकते हो, यहां तक आपका डेटा रीड हो जाता ना, मैं इस कोड को निकाल देता हूं, डेटा रीड हो जाता है स्टूडेंट्स इतने में, स्कैन ऑफ AIJ किया तो आपका डेटा पूरा रीड हो चुका है, ये काम हो चुका है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, उसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो IJ है उसको क्या कर देंगे, JI कर देंगे, मतलब जो हमारा ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने क्या लिया था, टी, टी ऑफ IJ इक्वल टू व्हाट, ए ऑफ JI। यहाँ पे TIJ के अंदर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, नहीं, इस कोड को स्टूडेंट्स हम तुरंत नहीं लिख सकते, इस कोड को हम तुरंत नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तक उसका JI आया ही नहीं ना, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से निकाल के पहला काम क्या करना पड़ेगा, पूरे मैट्रिक्स को रीड कर लेना पड़ेगा। समझ में आया, पहले पूरा डेटा आ जाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या, जीरो, अभी एक ही डेटा डाले हो कैसे उसका तुमको उल्टा मिल जाएगा, जैसे 01 डाले तो 10 है क्या अभी मेरे पास, नहीं। इसलिए पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पूरा मैट्रिक्स को रीड कर देंगे। यहाँ पे आपने पूरा मैट्रिक्स को रीड कर दिया, उसके मतलब पहले इतना पूरा कोड लिख दो जिससे आप क्या करोगे, पूरे मैट्रिक्स को रीड कर लोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स तब आप क्या करोगे, उसको ट्रांसपोज, मतलब इनपुट ले लिया, हमारा स्टेप क्या था, रीड, मतलब ये इनपुट हो गया, इनपुट के बाद क्या है, प्रोसेस स्टेज के अंदर आप क्या करोगे, फिर से सेम आपको यहाँ पे क्या लेना है, एरर लेना है i0 i less than 3 i++। ये स्टूडेंट्स आपको राइटिंग बहुत ही क्या हो जाना चाहिए, क्विक हो जाना चाहिए सब लिखने में, j less than 3 j++। फिर आप इसके अंदर क्या करोगे, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑपरेशन करना, क्योंकि डेटा मेरा पूरा भर चुका है। अब हम उसको ट्रांसपोज करने के लिए सिंपली क्या लिखेंगे, टी ऑफ आई जे इक्वल टू A of J. यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्रोसेस
नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये होने के बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए फिर से आप सेम टू सेम इसी चीज को लिख दो, लेकिन स्कैनर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंटर, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्प्ले करोगे, TF-IC, क्योंकि डेटा तुम्हारा कहाँ स्टोर्ड है, TF-IC के अंदर। मतलब ये सारा रो क्या हो जाएगा, पहला रो 00 था, ये 00 में रहेगा, लेकिन ये 01 है तो कहाँ आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 02 किस में आ जाएगा, 20, क्योंकि 012 है, 2 थ्रोस, ये 012 कॉलम, ये 410 था तो क्या हो जाएगा, 01 01, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या था, 20 है तो कहाँ आ जाएगा, 02 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। 454 तो 454, 253 तो ये रो था तो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोज ऑपरेशन हो चुका है बाय सिंपली दिस कोड TIJ इक्वल टू TJ, मीन्स जो रो था वो क्या हो गया, कॉलम हो गया, जो कॉलम से वो क्या हो गया, रो हो गया। तो ट्रांसपोज उसके लिए स्टूडेंट्स हमने देखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक एक ही डेटा है, तो उसका आपको रो कॉलम कैसे पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपने इनपुट लिया है उस चीज को क्या करो, जैसे आपको पहले सारा को इनपुट ले लो, उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, फिर हमारे ट्रांसपोज करने के बाद फिर से उसको डिस्प्ले, मीन्स अगेन इनपुट प्रोसेस एंड डिस्प्ले। इनपुट में आपने मैट्रिक्स को इनपुट लिया, प्रोसेस में आपने क्या किया, ट्रांसपोज ऑपरेशन किया, फिर उसको डिस्प्ले कर दिया।